किसान भाई बहन मन के झुमकी बहन बटले जमा जमा जुहाय, और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे किसान भाई अच्छे हैं, लेकिन अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। बिल्कुल, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कृषि समाचार से। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक अपने पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए ले सकते हैं अनुदान की सुविधा। कमाड़ में हुआ किसान गोष्ठी का आयोजन, एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। लगभग डेढ़ से दो महीने बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मछली पालन से जुड़े मत्स्य किसान अभी से तैयारी शुरू कर दें। मत्स्य पालन विभाग द्वारा पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इसके लिए राज्य के मछली पालक मत्स्य पालक विकास अभिकरण के तहत केंद्र द्वारा स्वीकृत दर पर बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों तमाड़ में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत खेती से जुड़ी विभिन्न कृषि तकनीकों की जानकारी दी। इस दौरान टीबीएल मुकेश पांडे ने पायोनियर संकर धान 28, P35 27, P31 और मक्का 3377 नामक उन्नत किस्म वाले धान और मक्का की रोपाई से लेकर कटाई तक की जानकारी दी। साथ ही फसल में लगने वाले कीटनाशकों से बचाव के उपाय भी बताए। खरीफ में फसल लगाने के लिए अभी से ही खेतों की तैयारी शुरू कर दे। जल्द से जल्द खेतों की जुताई कर दे। इससे पलटी हुई मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म कीट और खरपतवार तेज धूप की गर्मी से मर जाएंगे, जिसका लाभ खरीफ फसलों के उत्पादन को मिलेगा। कीड़े मकोड़े, रोग व्याधि और खरपतवार हर फसल के लिए नुकसानदेह कारक हैं। किसान भाई अब खरीफ फसलों की खेती में इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो अभी ही खेत की एक दो बार जुताई करके छोड़ दें। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में कीड़े बीमारी कम लगे या फिर आपका खरपतवार कम हो, इसके लिए आप गर्मी के समय में खेतों की जुताई, जो प्राथमिक जुताई यंत्र हैं जैसे कि मिट्टी पलटने वाला हल या तवेदार हल, उससे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण हो सके और खरपतवार भी कम होंगे। इसके अलावा जो पहली सीन बारिश हो उसमें बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खेतों में रह सके। किसान भाई, अगर आप लीची का फल बाग लगाना चाहते हैं तो अप्रैल से मई महीने तक गड्ढा खोदने का काम पूरा कर लें। लीची के बेहतर उत्पादन के लिए देसी, अरली बेदाना, शाही, स्वर्ण रूपा, पूर्वी या चाइना नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। लीची की उन्नत किस्मों में देशी और अरली बेदाना मई के प्रथम पक्ष में पकने वाली किस्में हैं, जबकि शाही और स्वर्ण रूपा मई के दूसरे पक्ष में पकती हैं। इसके अलावे पूर्वी और चाइना मई के अंत से जून तक पकने वाली किस्में हैं। इन किस्मों की उत्पादन क्षमता 80 से 100 किलोग्राम प्रति वृक्ष है। सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो गेहूं और धान दोनों फसलों की कटाई में काम आता है। गेहूं पककर तैयार हो चुका है, कटाई के लिए किसान भाई इस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूँ 1750 रुपए से 1850 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 1100 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहर। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन बहुत देर हो चुका है, थोड़ा सा विराम ले लेते हैं। बिल्कुल, तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिन आहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है कागज कलम लेकर के बिल्कुल तैयार हैं जानकारी लेने के लिए, है ना? आप स्वागत बहुत करती हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल, स्वागत तो करना ही है अपने किसान भाई बहनों का। स्वागत के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को जानकारी भी मिलनी चाहिए जी। और आज हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहे हैं मिर्च की, यानी मिर्च की अगात खेती के बारे में। आ गए ना तीखेपन में आप। बिल्कुल, जब आप तीखा बोलती हैं तो तीखेपन में आना ही पड़ेगा। चलिए, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। आज हम हैं ICAR के कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडो में। हम बात करेंगे मिर्च की खेती में। मिर्च की खेती खास करके झारखंड में बहुतायत मात्रा में उपजाई जाती है। ऐसे में सालों भर किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन बरसात के समय में जो वो खेती करेंगे उसकी जो उपज होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपका मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में मिर्च की अगाध खेती आप कैसे करें, इसके लिए विशेष जानकारी देने के लिए हमारे पास प्लांडो के तकनीकी विशेषज्ञ धनंजय कुमार। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जब मिर्च की खेती की बात करेंगे तो मिर्च की खेती के लिए सबसे पहले जो करना है आवश्यक काम वो क्या कर सकते हैं किसान भाइयों? जो हम लोग मिर्च की बात करते हैं और अगाध खेती की बात करते हैं, तो बारिश के दिनों में क्या है कि हमारे झारखंड का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर जो है कि पानी लगने का समस्या नहीं है, बाढ़ की समस्या नहीं है,
और मैदानी भागों में जो है बरसात के दिनों में मिर्ची की खेती नहीं होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा अवसर है झारखंड के किसानों के लिए, जो कि अगर अगात मिर्च का खेती करते हैं बरसात के दिनों में, तो सबसे ज़्यादा जो है बढ़वार जो है बरसात के दिनों में मिर्च में होती है, और सबसे ज़्यादा उपज भी उस समय जब बढ़वार ज़्यादा होता है तो उपज है ज़्यादा मिलता है, और बाज़ार में जो है दाम भी जो है उस समय ज़्यादा रहता है, क्योंकि भारत के अन्य भाग प्रदेशों में जहाँ पर मैदानी भाग है, जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है, पानी का निकास सही से नहीं हो पाता है, वहाँ पर मिर्च की खेती संभव नहीं है, और उस मामले में हमारे झारखंड का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ का अगर किसान जो है बरसाती मिर्च की खेती करें तो हम समझते हैं कि एक एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपया की आमदनी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लें कि इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होगा। किसान भाइयों, अभी जैसे कि अप्रैल के महीना में अगर आपके पास पानी का साधन है जैसे कि, तो अप्रैल के महीना में जो है आप बीज बुआई करें जिन किसान भाई के पास पानी का साधन है, और जिन किसान भाई के पास जो है पानी का साधन नहीं है तो आप 15 से 20 मई के बाद बीज बुआई करें, जिससे कि 15 से 20 जून तक उनका रोपाई करना होगा, उसमें बारिश का मौसम प्रारंभ हो जाएगा, और जिस किसान भाई के पास बारिश का मतलब पानी का सिंचाई का साधन है जो मई और जून 15 जून तक जो है जो जीवन रक्षक पौधा को अगर पानी दे सकते हैं तो उनके लिए उपयुक्त समय जो है अप्रैल का महीना है जिसमें कि जो है बीज का बुआई करते हैं। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि बीजों का चयन कैसे करेंगे, कौन सी किस्में इस वक्त सबसे अच्छी हो सकती है। किसान भाई, जब अगर हम कोई भी फसल लगाएं तो पहला जो है चुनाव हमको किस्म पर ध्यान देना है कि यहाँ के लिए जो है झारखंड के लिए, और जो बारिश के दिनों में जब बारिश ज़्यादा होता है तो उस समय किस तरह का आप किस्म का चुनाव करें जो वर्षा को बर्दाश्त करे और जो बीमारी भी कम हो तो उसके, और मुरझा रोग भी नहीं आवे, क्योंकि बारिश के दिनों में थोड़ा सा मुरझा रोग भी आता है तो उससे भी बचाओ। तो हम लोग जो देखे हैं कि हमारे अनुसंधान केंद्र पर जो है K2 करके, काशी अनमोल 2 करके जो है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का संस्थान का एक सब्जी अनुसंधान केंद्र है वाराणसी में, वहाँ से विकसित किया गया है जिसका उत्पादन हमारे पलांडू केंद्र से किया जा रहा है। तो K2 का बीज जो है उपलब्ध है और बहुत ही सस्ता है, मतलब देसी किस्म है, आपको 2000 रुपये किलो है, 10 ग्राम का 20 रुपया आपको लगेगा, वह बहुत ही अच्छा बरसात के लिए उपयुक्त है। उसके अलावा एक नई किस्म जो है स्वर्ण परफुल्या जो है विकसित किया गया है जो अनुसंधान केंद्र पलांडू से, उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंपनी में निजी कंपनी का लगाना चाहें जो संकर किस्म है तो VNR सीड्स का जो है VNR 32 नंबर जो है बारिश की दोनों के लिए जो बहुत ही उपयुक्त है। उसके अलावा एक सिंजेंटा का जो भी है मिर्चा HAPH 117 करके जो है वह भी जो है बारिश की दोनों के लिए उपयुक्त है। पौधारोपण किस तरह से करेंगे, नर्सरी में यदि डालना हो तो क्या क्या प्रक्रिया हम अपनाएंगे, इस बारे में भी जान लेते हैं। जब हम किस्म का अच्छी तरह से चुनाव कर लेते हैं, उपयुक्त किस्म का चुनाव कर लेते हैं तो हमको बीज का बिचड़ा पर ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए, क्योंकि बिचड़ा जो है ट्रे में जब हम अगर करते हैं प्लास्टिक के ट्रे में, जो अभी उन्नत तकनीक जो है प्रो ट्रे जो बोलते हैं, उसमें जो है मिट्टी रहित मिश्रण बनाते हैं जिसमें कोकोपीट और केचुआ खाद का बराबर बराबर मात्रा मिला करके, और ट्रे में जब हम बीज पौधा तैयार करते हैं तो पौधा जो है उसमें जो है रोपाई के बाद जो मरने का शिकायत होता है वह तेज़ बारिश से या तेज़ धूप से वह नहीं के बराबर होता है। उसके अलावा जो है पौधा का सभी पौधा एक तरह का बढ़वार लिए हुए रहता है तो उसमें जो है तुड़ाई भी एक साथ प्रारंभ होता है, और जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो उससे 10 दिन पहले तुड़ाई होता है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाइयों जो है जो भी आप ट्रे में बिचड़ा अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो किसान भाई ट्रे में नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए जो है जब ज़मीन में हम लगाते हैं तो अभी गर्मी के दिन है, बहुत ज़्यादा ऊँचा हमको बेड नहीं बनाना है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का रखना है, लेकिन पानी का निकास भी रखना है, क्योंकि अगर बारिश असामयिक बारिश अगर हो जाती है तो पानी का निकास नहीं रहेगा तो हमारा बीज ख़राब हो जाएगा। तो खूब अच्छा से उसको तैयार करके उसमें चूना का प्रयोग कर लें, थोड़ा सा सड़ी हुई गोबर खाद मिला दें, उसके बाद जो है लाइन से लाइन 5 सेंटीमीटर और बीज से बीज 1 सेंटीमीटर के दूरी पर बीज को डालें और नमी बना करके रखें, जिससे कि आपका बिचड़ा जो है सही तरह से अंकुरित हो, और जब तेज़ धूप करे तो आप जो है थोड़ा सा छाया उसको 10 बजे से लेकर के 2 बजे दिन में कुछ छाया जो है कर दें, जिससे कि जो है आपका जो है पौधा मतलब सुरक्षित रहे और तेज़ धूप से जो है उसको नुकसान नहीं हो।
तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है जो कि भूमिगत तैयारी होती है वो है पौधारोपण पर विशेष ध्यान देने की। अब जब हम बिचड़े लगा लेते हैं, जो बिचड़ा लगा रहे हैं या फिर जो बेड बनाकर उसमें उस पर मिर्च के पौधे उगा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे जिससे कि, और क्या किसी अन्य तरह की देखभाल की ज़रूरत है, कीटनाशक की ज़रूरत है, या यदि पानी की व्यवस्था सही तरीके से करनी उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, जब हम मिर्च का बीज चाहे तो प्रो ट्रे में लगा रहे हों या ज़मीन में जब लगा रहे हैं, जब अंकुरित हो जाए 20 से 25 दिन का हो जाए, तो अगर कोई कीट नहीं आ रहा है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन तब पर भी विशेष तौर से जब हम रोपाई से करीब 5-6 दिन पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको पानी कम मात्रा में देना शुरू कर देंगे, जिससे कि पौधा को हार्डनिंग बोलते हैं, कि पौधा को थोड़ा सा वो पौधा हार्ड हो, उसको उस तरह के वातावरण में जाना है। जब हम बीज पौधशाला से निकाल करके खेत में जब लगाएंगे तो वहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा शौक लगता है, तो पौधा को जो है पानी कम देना शुरू कर दें। जहाँ आप 2 बार देते हैं, 1 बार दें, अगर 1 बार देते हैं तो आप 1 दिन गैप करके दें, जिससे कि पौधा थोड़ा सा उसको हार्ड हो जाए। उसके अलावा रोपाई से पहले कन्फिडोर नामक दवा 1 ml प्रति लीटर और रेडोमिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर दें, जिससे कि आप जब खेत में लगावें तो 8 से 10 दिन तक जो है कोई भी कीट एवं बीमारी का प्रकोप जो है आपके पौधा पर नहीं हो। एक सवाल पूछेंगे छोटा सा, कि जो कि एक भ्रांति रहती है पानी के बारे में, तो उस बारे में भी जान लें। जैसे है क्या कि हम 2 तरह का बताएं, कि अगर पानी आपके पास है तब तो आप अभी लगावें, अगर पानी नहीं है तो हम बारिश को देखते हुए कि जैसे 15 से 20 जून तक जो है झारखंड में मानसून आ जाता है, तो हम उस तरह से तैयारी करें कि बिचड़ा जो है हमारा 15 से 20 जून तक तैयार होवे। तो बिचड़ा तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता, आप कहीं भी अपने घर के आसपास में बिचड़ा तैयार कर सकते हैं, जो आप पीने के लिए पानी कर रहे हैं, नहाने के लिए कर रहे हैं, उसी पानी से आप कर सकते हैं। और जब बारिश शुरू हो जाएगा तो आप उस समय रोपाई करें, आपको इस तरह से करना है। दूसरा है कि कुछ अगर पानी का बचत करना है, फसल आपका लगा हुआ है तो मल्चिंग है, चाहे आप प्लास्टिक मल्चिंग करें या घास का पुआल का मल्चिंग करें, तो उससे भी कम पानी में आप ज़्यादा खेती कर सकते हैं। अगर टपक सिंचाई है तो टपक सिंचाई में भी आपको पानी कम लगता है, तो कम पानी में भी खेती किया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे विशेषज्ञ ने मिर्च की अगाध खेती के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, इसकी पूरी तैयारी के बारे में भी काफ़ी बेहतर तरीके से बताया है। तो आइए सबसे पहले उनका हम धन्यवाद कर लें। धन्यवाद आपका किसान भाइयों। तीखी चीज़ की मीठी जानकारी अच्छी। बहुत अच्छी लगी, हमारे किसान भाइयों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल। और अब छोटी सी जानकारी हमारे पास और है, और वो जानकारी हम अपने किसान भाइयों को संदेश के माध्यम से देंगे। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। छोटी जानकारी कहकर बड़ी बड़ी जानकारी देते हैं आजकल आप। बिल्कुल भाई, हमारा तो यही काम है, किसान भाइयों को जानकारी देना। अच्छा ये बताइए कि जानकारी आपने कारू दादा तक पहुँचाया है कि नहीं? जोहार कारू दादा, आप भी इंतजार करते रहते हैं हम लोगों का। बस इंतजार करते रहते हैं कि आप अपना बात कब खत्म करेगा और मैं तब से। लेकिन झुमकी बहन की बात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये बात आप सही बोले। चलिए उसी बात में हम एक और बात बढ़ाते हैं। वो बसंत का मौसम जब था तब हम ईख लगाए थे। अब तो ईख इतना बड़ा करीब हो गया। बिल्कुल। तो उसका देखभाल कैसे करें, उसका निकाय गुड़ाई कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। देखिए अभी हम लोग तीखी बातें कर रहे थे। देखिए इन्होंने उठाया मीठी बात, गन्ना लेकर आए हैं और मीठी बात की जानकारी वो अपने किसान भाइयों को। चलिए इस विषय पर भी हम जानकारी ले लेते हैं, थोड़े मीठे हो जाते हैं तीखी के बाद, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार जी। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में आए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक है डॉक्टर नीरज कुमार, शस्य विभाग में है। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि गन्ने की निकाई गुड़ाई किस प्रकार से की जाए और इसकी विशेष ध्यान क्या क्या रखी जाए, इसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि झारखंड में गन्ने लगाने से उनको क्या फ़ायदे हैं। अभी पूरे प्रदेश में, या यूं कहें पूरे देश में, मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है, और
जब हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में वर्षा हो या फिर हमारे फसल को नमी मिले, उस समय वो नमी नहीं मिल पाती है और इस वजह से हमें ऐसे फसल या ऐसे प्रभेद का चुनाव करना होगा जो सूखे से प्रभावित नहीं हो। ऐसे में गन्ना फसल एक ऐसी फसल है जिसमें हम 12 महीने पूरे 12 महीने साल भर हम इस फसल को खेत में रखते हैं और अगर नमी की अधिकता हो जाए या नमी की कमी हो जाए तो ये फसल बड़ी आसानी से ये उपज दे देता है, प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो ये एक इस तरह का रोज़गार है जो कभी भी काटने के बाद हम उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेच सकते हैं और पैसे की आमदनी हमको हो जाती है। तो ऐसे में इसका जो रकबा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो और फसलें हैं वो पानी की कमी की वजह से प्रभावित हो जा रही हैं। तो अब ये बताइए कि अभी ग्रीष्मकालीन समय है तो इस समय क्या स्थिति होगी गन्ने की? जो गन्ने को हम लोग दो बारी लगाते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन जैसा आपने कहा ये हम फरवरी मार्च में लगा देते हैं और दूसरा किस्म है शरदकालीन जिसको हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं किसान भाइयों। तो अभी अगर आपने फरवरी मार्च में गन्ना लगा दिया होगा तो उसकी उसमें अंकुरण आ गया होगा और बड़ा ही आवश्यक है कि उस समय इस समय उसमें जो भी सस्य क्रियाएँ हैं उसको हमको करनी चाहिए। अभी स्थिति बहुत अच्छी है जब हमको सस्य क्रियाएँ हमको करनी चाहिए। तो निकाई गुड़ाई सबसे आवश्यक है। अगर आप समय पे निकाई गुड़ाई करते हैं तो उसमें जो जड़ के आसपास की मिट्टी है वो हल्की हो जाती है। हल्की ही नहीं, फिर उसमें जो कल्ले निकलते हैं, आप जानते हैं कि हम गन्ने का टुकड़ा लगाते हैं और उस पर आँख लगी होती है, वहीं से हमारा गन्ना निकलता है। और अगर मिट्टी हल्की हो, उसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा हो, अच्छी हो, तो बहुत सारे कल्ले एक जगह से 8-10 कल्ले निकलते हैं और इससे उपज बढ़ता है। तो अभी अवश्य ही आप निकाई करें, गुड़ाई करें ताकि मिट्टी हल्की हो जाए। हाँ, ये बड़ा ही आवश्यक है, इसका बहुत ध्यान दें। और ये भी ध्यान रखें कि वर्षा आने तक, जून महीने में वर्षा जब आएगी, हमारे यहाँ झारखंड में 15 जून के आसपास में पहली वर्षा गिरती है, तो उससे पहले तक अगर आवश्यक पड़ता है तो हमको नमी बनाए रखना होगा। हमको मिट्टी को देखते हुए वो सिंचाई की सुविधा अगर है तो हमको सिंचाई करनी होगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि गन्ना फसल वही किसान ले पाते हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा होती है। तो हो सकता है कि अभी 15-20 दिनों के अंतराल पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कल्ले निकलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें दीमक की समस्या लग जाती है और बहुत सारे किसान भाई इससे प्रभावित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी समस्या के लिए क्या वो व्यवस्था करें ताकि दीमक कम लगे या लगे ही नहीं? हम लोग किसान भाइयों को हमेशा आगाह करते रहते हैं कि सबसे पहले तो उनको जब भी खेती करें, किसी भी फसल की खेती करें, तो ग्रीष्मकालीन जुताई का बड़ा ही महत्व हो जाता है। वो मिट्टी को पलट करके छोड़ देता कि कीड़े मकोड़े ये खरपतवार वगैरह नष्ट हो जाएं। गन्ने की अगर आप बात कर रहे हैं तो बड़ा ही लाजमी है, जब गन्ना जहाँ भी लगाते हैं दीमक की समस्या आती है और करीब 40-50% ही अंकुरण बहुत सारे किस्मों में हो पाता है। लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान दें, जैसे कि हम शुरू में ही जब हम जुताई कर रहे होते हैं गन्ना लगाने से पहले ही, अगर हम दीमक से निजात पाने के लिए दवा अगर खेत में डाल देते हैं अंतिम जुताई के समय, तब भी जैसे लिंडेन धूल आता है, अगर उसको हम अगर डाल दें खेत में तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर फ़ायदा नहीं हो पाया और दीमक आपको बाद में दिखता, क्योंकि दीमक जो है वो जड़ के पास वो उसके जो जो हाँ जो गुड़ होता है वो उसको खाता है, वो जो हम लोग काट करके जो भाग लगाते हैं टुकड़ा उसको हम लोग गुड़ बोलते हैं और उसको वो दीमक खाता है और कमज़ोर कर देता है, बाद में वो सूख करके पौधा गिर जाता है। और अगर पौधे की सही संख्या हमारे खेत में नहीं रहेगी तब हम ज़्यादा उपज की उम्मीद नहीं कर पाते हैं। तो अगर बाद में भी अगर लगता है कि उसको खींचने से खींच रहा है, क्योंकि कई बार दूसरी जो बीमारियाँ होती हैं वो होती हैं और उसको हम दीमक समझ लेते हैं, तो हमको आश्वस्त होना होगा कि वाकई ये दीमक है। अगर दीमक है तो क्लोरोपायरीफास दवा 4-5 मिलीलीटर दवा क्लोरोपायरीफास 1 लीटर पानी में मिला करके जड़ के पास जहाँ भी हमको नज़र आता है
दीमक का लक्षण दिखता है वहाँ जड़ के पास अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो हमको दीमक से निजात मिल जाएगा, और हो सकता है कि आपको 10 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करना पड़ सकता है, तो इससे हमको निजात मिल जाएगा। जी तो एक चीज़ और बताएं कि उर्वरक की पर का प्रयोग है हमारे किसान भाई किस किस समय करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे? ये बहुत सुंदर प्रश्न किया गया, क्योंकि गन्ने में हम एक बार में यूरिया नहीं देते हैं, यूरिया कई बार देते हैं। पूरा जो यूरिया देते हैं वो, या पूरा जो नेत्रजन देते हैं कह लें, वो एक हेक्टेयर में 170 किलो देते हैं, लेकिन यूरिया के माध्यम से हमको 3-4 बार टॉप ड्रेसिंग करना पड़ता है, भुरकाव करना पड़ता है। तो हमें जब हम निकाई गुड़ाई अभी कर रहे हैं और अगर नमी है तो निकाई गुड़ाई के तुरंत बाद आप यूरिया का छिड़काव करें, आप 170 किलो नेत्रजन को 4 भागों में बांट लें और एक भाग अभी दे दें, उससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरा गन्ना हरा भरा दिखेगा, और जब हरा भरा दिखेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा और वो फिर अल्टीमेटली उससे आपको फसल में फ़ायदा, हाँ उससे फ़ायदा निकलेगा। किसान भाइयों, अभी आपने हमारे डॉक्टर साहब से अच्छी अच्छी जानकारियाँ हासिल की और मुझे उम्मीद है कि आप इनके बताए हुए तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, तो सभी किसान भाइयों को मेरे तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से जोहार, नमस्कार। चलिए, मीठी बात और मीठी जानकारी क्योंकि हम किसान कभी तीखे नहीं होते, हमेशा हम मीठे हुआ करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा। तो इस मीठी बात पर कुछ और हम अपने किसान भाइयों को जानकारी दे दें, और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे, हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान गेहूं फसल की कटाई कर चुके हैं वो काटे गए फसल की जल्द से जल्द थ्रेसिंग कर भंडारण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वो फूल गोभी, बंदा गोभी, भिंडी, बैंगन और मिर्च की अविलंब बुआई या रोपाई करें। रबी फसल की कटाई के बाद अगर मिट्टी में नमी हो तो खेत की जुताई करके छोड़ दें, पाटा नहीं चलाएं। ये काम भी हमारा पूरा हुआ, कागज कलम चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अगर चल रहा है तो फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं आज तो के हमारा लिए। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन के रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो कहना क्या है, तो फटाफट लिख डालिए खत। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जरूर खत लिखेंगे और अपनी समस्या और उनका जो भी सुझाव होगा वो हम तक जरूर पहुंचाएंगे। तो किसान भाइयों, अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।